आतंकवाद के बाप पर अमेरिका ने साधा निशाना। पाकिस्तान के आतंक को बचाने के चक्कर में अमेरिका चीन में हुई आपस में भिड़ंत। चीन की वीटो पावर को अमेरिका ने बनाया निशाना। कहा दुनिया की शांति के लिए दिया था, अशांति के लिए नहीं। जी हाँ दोस्तों, आतंक के पनागाह पाकिस्तान को बचाता आ रहा चीन और अपनी वीटो पावर का यूज करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आतंकियों को प्रतिबंधित होने से बचाता चीन पर अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन पर करारा हमला किया है। और दोस्तों एक बार फिर अमेरिका और चीन आमने सामने आ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सूची के तहत आतंकियों को नामित करने के प्रस्ताव का सभी संबंधित पक्षों को समर्थन करना चाहिए, किसी भी देश को इसके बीच में नहीं आना चाहिए। हालांकि ब्लिंकन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन साफ था कि यह चीन की ओर इशारा था। मुंबई में सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की एक विशेष बैठक में चलाए गए एक रिकॉर्डेड संदेश में उन्होंने कहा कि नवंबर 2008 में मुंबई में इस आतंकवादी हमले में मारे गए लोगों में 6 अमेरिकी भी शामिल थे। उन्होंने कहा, हम भारत एवं उन सभी देशों के लोगों के साथ खड़े हैं जिनके नागरिकों ने उस दिन अपनी जान गंवाई, लेकिन हमें शोक मनाने से ज्यादा कुछ करना होगा। पीड़ितों और हर जगह के लोगों के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम मुंबई में हुए आतंकी हमलों के साजिशकर्ताओं को न्याय के कटघरे में खड़ा करें। दोस्तों उन्होंने कहा, यही कारण है कि संयुक्त राज्य अमेरिका पिछले 14 वर्षों से भारत और अन्य भागीदारों के साथ काम कर रहा है। जब तक हम इन हमलों के साजिशकर्ताओं को सजा नहीं देंगे, तब तक हर जगह आतंकवादियों को यह संदेश जाएगा कि उनके अपराधों को सहन किया जाएगा। ब्लिंकन ने कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित सुरक्षा परिषद के कई सदस्यों ने इन हमलों के पीछे आतंकवादियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा, हमारे प्रयास तब अधिक प्रभावी होंगे जब हम एक साथ काम करेंगे। यही कारण है कि हम संयुक्त राष्ट्र की 1267 समिति के कई आतंकवादियों को नामित करने के लिए भारत के साथ काम कर रहे हैं। सभी संबंधित पक्षों को इन प्रस्तावों का समर्थन करना चाहिए और किसी भी राष्ट्र को उनके रास्ते में नहीं खड़ा होना चाहिए। दरअसल दोस्तों 1267 सूची अलकायदा और ISIS से संबद्ध आतंकवादियों की एक सूची है। ब्लिंकन का यह बयान इस महीने की शुरुआत में चीन द्वारा संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हाफिज तलहा शहीद लश्करे तैयबा प्रमुख हाफिज शहीद के बेटे को काली सूची में डालने में भारत और अमेरिका के प्रस्ताव पर रोक लगाने के बाद आया है। दोस्तों इस प्रस्ताव में हाफिज तलहा शहीद को UNSC की 1267 अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत जोड़ने की मांग की गई थी। 4 महीने में यह 5वीं बार था जब चीन ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को नामित करने के प्रस्तावों को सूचीबद्ध करने पर रोक लगा दी। ब्लिंकन ने अपने संदेश में यह भी कहा कि भविष्य में 26/11 जैसे हमलों से बचने की जिम्मेदारी राष्ट्रों की है। दोस्तों जिस प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ में पिछले कुछ महीनों में प्रमुख आतंकवादी संगठनों के आतंकियों को चीन ने बचाया है, उसके बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन के द्वारा अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल आतंकियों को बचाने के लिए प्रयोग करना बहुत ही शर्मनाक काम है। वीटो पावर का इस्तेमाल विश्व में शांति लाने के लिए किया जाता है, ना कि अशांति फैलाने के लिए। वहीं दोस्तों जिस तरह चीन पाकिस्तान के आतंकियों को पनाह देने लगा है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संयुक्त राष्ट्र संघ में पाकिस्तान के आतंकियों को बचा रहा है, उसको देखकर अब दोस्तों भारत और अमेरिका ने चीन के खिलाफ एक ज्वाइंट एक्शन प्लान शुरू कर दिया है, जिसमें लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भारत और अमेरिका मिलकर चीन को काउंटर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख से लेकर दक्षिणी चीन सागर तक आंखें दिखा रहे चीनी ड्रैगन को करारा जवाब देने के लिए अमेरिका ने अब कमर कस ली है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने का ऐलान किया है, ताकि नई दिल्ली चीनी सेना की आक्रामकता को करारा जवाब दे सके। गुरुवार को जारी किए गए अमेरिका के राष्ट्रीय रक्षा रणनीति में इसका ऐलान किया गया। अमेरिका ने चीन को सबसे गंभीर चुनौती करार दिया है।
दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ओर से जारी इस रक्षा नीति को बाइडेन प्रशासन ने बनाया है। अमेरिका ने इस राष्ट्रीय रक्षा नीति का ऐलान ऐसे समय पर किया है जब हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की आक्रामकता लगातार बढ़ती जा रही है। इस राष्ट्रीय रक्षा नीति को अमेरिका की संसद में मंजूरी दी गई है। विश्लेषकों का कहना है कि इस राष्ट्रीय रक्षा नीति के आधार पर ही अमेरिका अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकता को तय करता है। दोस्तों, इस अमेरिकी राष्ट्रीय रक्षा नीति में कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय भारत के साथ अपने बड़े रक्षा भागीदार को आगे बढ़ाएगा ताकि चीन की आक्रामकता से निपटने के लिए उसकी क्षमता में इजाफा हो सके। साथ ही हिंद महासागर में स्वतंत्र और मुक्त आवागमन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके मुताबिक चीन ने सबसे व्यवस्थित चुनौती अमेरिका के सामने पेश की है। वहीं रूस ने विदेशों और देश में अमेरिका के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बड़ा खतरा पेश किया है। अमेरिका ने कहा, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ सबसे व्यापक और सबसे गंभीर चुनौती चीन की बलपूर्वक और आक्रामक गतिविधियां हैं, जो कि एलएसी सीमा के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रही है। यह चीन के सर्वाधिकारवादी प्राथमिकता और हितों को सूट करता है। दोस्तों, अमेरिका ने यह भी कहा कि वे अपने सहयोगियों और भागीदारों को भी अमेरिकी नीति और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक मदद करेगा ताकि चीन की पूर्वी चीन सागर, ताइवान स्ट्रेट, दक्षिणी चीन सागर और भारत के साथ विवादित सीमा पर नियंत्रण स्थापित करने के अभियान को करारा जवाब दिया जा सके। दोस्तों, यह बात तो अमेरिका भी जानता है कि हाल ही में उसने अपने राष्ट्रीय सुरक्षा नीति को जारी किया है। उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि बेशक अभी वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, लेकिन इन सब के बावजूद अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन इस समय चीन है, जो हर समय अशांति फैला रहा है। चीन ही है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद को पनाह दे रहा है, और साथ ही चीन ही वह देश है जिसका अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ कुछ ना कुछ मामले को लेकर सीमा विवाद है। दोस्तों, वास्तव में अमेरिका और चीन में बीते कुछ महीनों में काफी गहमागहमी हो गई है, खासकर जैसे हमने कुछ महीने पहले ही देखा था कि अमेरिका की सांसद ताइवान के दौरे पर गई थी, जिसके बाद चीन और अमेरिका एक बार फिर से लड़ने को तैयार हो गई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, जिस तरह से पिछले एक महीने में अमेरिका ने वापस से पाकिस्तान में एंट्री करी है, उसको लेकर खुद चीन भी कहीं ना कहीं अमेरिका को लेकर इनसिक्योर फील कर रहा है। और अमेरिका भी चीन के सैनिकों को, जो कि पूरे पाकिस्तान में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट की रक्षा करने घूमते हैं, उनको देखकर अमेरिका भी असुरक्षित महसूस करता है। ऐसे में दोस्तों, वर्तमान में चीन केवल ताइवान के मुद्दे को लेकर अमेरिका से नहीं लड़ रहा, बल्कि दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के विकसित देश जैसे कि जापान, फिलीपींस और उधर पाकिस्तान में जिस तरह से अमेरिका ने वापस एंट्री करी है, और अमेरिका के जो खुद के पाकिस्तान में अपने एयरबेस है उनमें से जिस तरह से चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिकी एयरबेस के पास मुस्तैदी बना रहा है, और आसपास चीन के सैनिक जो घूमते दिखते हैं उनको लेकर अमेरिका काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना है। और दोस्तों, यही कारण है कि जब अमेरिका हिंद प्रशांत महासागर की ओर देखता है कि कोई एक देश हंसते मिले जिसके साथ में मिलकर चीन को काउंटर कर सके, तो उसको भारत के अलावा कोई देश नहीं दिखता। दोस्तों, केवल यही कारण है कि अमेरिका सबसे बड़ी बात यह जानता है कि अमेरिका को इतनी ज़रूरत नहीं है चीन को काउंटर करने की जितनी ज़रूरत भारत को चीन को काउंटर करने की है। और भारत की सेना तो कई बार चीन के सैनिकों के साथ झड़प चुकी है और काफ़ी गहमागहमी है। यही कारण है कि अमेरिका अब भारत के साथ एलएसी सीमा पर एक बड़ा युद्धाभ्यास नवंबर महीने में करने वाला है, जहां पर चीन को धमकी के रूप में भारत अमेरिका सीधा सीधा संदेश देने वाला है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, ज़रूर बताएं। धन्यवाद।